नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल सेफ स्टॉक्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से बोल रहा हूँ। मैंने जो बाय सेल सिग्नल स्क्रीनर मैंने जो मेरा वेबसाइट पे डिस्प्ले कर रहा हूँ और उसको मैं एंड एक्चुअली इसको एंड ऑफ द डे बनाता हूँ और मैं लाइव मार्केट में भी 3-4 बार अपलोड करता हूँ। इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का आप पिवट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी उसको आपको मिल जाएगा एक ही फाइल में, और भी बहुत सारा मिलता है। तो आप पहले दूसरा वीडियो और वो आप डाउनलोड करके आप देख सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाऊंगा कि बाई सेल लेवल मीट होने के बाद वो कैसे प्रॉफिट दिया है, कैसे आपको मिला है। तो ये देखिए, ये मैंने एंड ऑफ द डे 12/7/2018 का एंड ऑफ द डे ये फाइल अपलोड किया था और इसका लास्ट प्राइस जो है 13/7/2018 का, उसका हाई लो आप लोग देख सकता है। तो जो बाय लेवल में ऊपर जाएगा, बाय लेवल में जो गया था वो आपको जीरो दिखाएगा, वो आपको जीरो जीरो दिखाएगा। जो बाय लेवल मिल जाएगा वो अपसाइड में आपको जीरो दिखाएगा और जो सेल लेवल मिलेगा वो डाउन साइड में जीरो लगेगा। मैंने ये वीडियो भी और ये फाइल भी मैंने एक सैम्पल के हिसाब से मैंने वेब पेज में डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप लोग इधर से चेक कर सकता है। तो ये देखिए, एसीसी का 1380 बाई लेवल था और इसका हाई था 1365। इसका मतलब इसका अपसाइड में नहीं मिला लेकिन डाउन साइड में ये आ गया 1328 और सेल था उसका, सेल लेवल था सेल बिलो 1340। अब अदानी एंड देख सकते हैं 126 पर वो इसका बाई लेवल था और इसको हाई मरा था 132.20। तो ये तरीका से ये देखिए, ये सब अप साइड में नहीं गया है लेकिन डाउन साइड में। आप एग्जांपल दो, मैंने तो नेट पे देखा नहीं सकता क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, आप खुद को पैसा कर सकता है। ये वीडियो आप बहुत दिन बाद जो लोग देखेंगे वो भी आप लोग इस डेट के चार्ट देख के, इस डेट का चार्ट देख के, 13 जुलाई का चार्ट देख के और इसका लेवल देख के आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। मैंने ये अभी तक आज तक फिर 13 जुलाई तक मैंने फ्री ट्रायल दिया था, अभी इसका पेड सर्विस है पूरा पैकेज का, आप कोई भी कर सकता है। आप एक देखिए, कोई भी देखिए, एसीसी का मैंने देखा था वो, ये देखिए एसीसी का ये 1365 उसका हाई था और 1340 में इसका सेल लेवल था, ये 1328 में लो मारा और 1380 पे बाई लेवल था लेकिन वो बाई लेवल नहीं मीट किया। अब कोई भी देख लीजिए इस अंदर, सोच लीजिए कोई भी, रेमंड देखिए, रेमंड आपको दिखाता हूँ। रेमंड देखिए, इसका बाई लेवल था 915, इसका बाई लेवल पे नहीं गया था, इसका हाई था 13 जुलाई को 910, सेल लेवल था इसका, सेल का था 890, वो 890 के नीचे 885 आया था। और कोई भी देखते हैं आप इधर से, सोच लीजिए डीवी स्लैब, आप भी कोई किसी भी आप एफएनओ स्टॉक के अंदर किसी भी आप खुद चेक कर सकता है। ये नहीं है कि मेरा प्लेटफॉर्म में जो डिस्प्ले हुआ है उसको ही देखना पड़ेगा आपको, आप खुद भी कोई भी देख सकता है एफएनओ स्टॉक के अंदर जो है। और मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा और इसका टाइम लिमिट भी है तो इतना आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो आप देखिए, ये एलआईसी हाउसिंग एंड फिनांस, ये 510 में बाई लेवल था इसका, नहीं गया लेकिन डाउन साइड में ये 492.50 में आया था, इसका 495 सेल लेवल था। एलटी देखिए, एलटी इसका बाई अबव 1310, ये 1319 तक हाई गया और इसका सेल लेवल आया नहीं। तो इस तरीके से आप खुद कंपेयर कर सकता है। मैं आप ये वीडियो भी डिस्प्ले कर दूंगा और ये फाइल भी डिस्प्ले कर दूंगा। चलिए कमोडिटी में कुछ देखते हैं।